ये चीज नहीं कह सकते कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने अगर कुछ किया नहीं होता तो आज मोदी जी इतना नहीं कर पाते, ये भी बात है। आज अगर हम जो पढ़े लिखे हैं, जो कुछ भी करे हुए हैं, मोदी जी ने तो नहीं पढ़ाया, तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। देश इतना आगे बढ़ा है, गाड़ी जब अगर धक्का नहीं लगती तो आज 70 साल का रोना रोते। देखो नीतीश जी ने जो कर रखा है वो एम्बुलेंस में घोटाला कर रखा है, लालू ने चारा घोटाला कर रखा है, ठीक है। तेजस्वी यादव और लालू मिलकर लोगों की प्रॉपर्टियां खा गए, नौकरी लो और अपनी प्रॉपर्टी दो, सारे करप्ट है। केजरीवाल ने दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है। 24 में मोदी ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, जितना मर्जी 14 इकट्ठे हो जाए, 18 इकट्ठे हो गए, मोदी ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा भारत में। संसद का मानसून सत्र बाधित चल रहा है। विपक्ष चाह रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई महिलाओं के खिलाफ, जो अभद्रता हुई, वो जो विभत्स घटना है, उस पर चर्चा हो। यानी कि होल सोल बात यह है कि विपक्ष जानता है या कहना चाहता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका महिलाओं के प्रति रुख अच्छा नहीं है, और 2024 चुनाव में महिलाएं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी जी, क्या 24 के चुनाव में मोदी जी के साथ हैं महिलाएं या नहीं है? देखिए, अभी रीसेंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो लोगों का रुझान होगा कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, पर देखा जाए ऑल ओवर जो कुछ भी हुआ है वो दो गुटों के बीच में हुआ था, उसमें किसी सरकार का, किसी पार्टी का हाथ नहीं था। तो हम सीधा सीधा ब्लेम किसी पार्टी पे या सरकार पे नहीं लगा सकते। रही बात 24 में मोदी जी के आने की बात, तो जो काम करेगा वो आएगा, जो नहीं करेगा वो कहाँ से आएगा। ये एक गठबंधन बना है इंडिया नाम का, शायद आपको पता होगा, राहुल गांधी वगैरह सब ने मिल के बनाया है, सारे तेजस्वी यादव, बड़े बड़े मुख्यमंत्री उसके अंदर हैं। उन सबका एक पूरा का पूरा कहना है, स्टेटमेंट है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है। महिला वोटर्स अगर बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगी तो नरेंद्र मोदी हारेंगे, और महिलाएं परेशान भी है इस सरकार में। क्या इस सरकार में महिलाएं परेशान हैं? क्या सच में महिलाएं परेशान है? विपक्ष कहता है, विपक्ष के पास साक्ष्य है कि महिलाएं परेशान है। एक दो घटनाएं वो बस पकड़ लेते हैं और उसका मुद्दा बना देते हैं। महिलाओं की रसोई को लेकर सवाल उठाते हैं ना बड़ी बार, कि देखो यार गैस इतनी महंगी है, राशन इतना महंगाई है, पूरे विश्व में महंगाई है, क्या भारत में ही महंगाई हो रही है? अब बताइए कहाँ नहीं महंगाई हो रही है। या जो पेंडेमिक हुआ था उसके चलते तो पूरे विश्व में महंगाई हुई थी, उसके चलते पूरे विश्व ने देखा था। प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं, एक अकेले महिलाएं तो फेस नहीं कर रही हैं। पेंडेमिक भी मोदी जी ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, ये कह रही हैं विपक्ष जी। कोरोना के अगर रिकॉर्ड्स देखा जाए तो 100% वैक्सीनेशन हुआ था भारत में, वो सक्सेस नहीं था क्या? हाँ, अच्छा ये बताइए 2024 में जब आप लोग वोट करेंगे तो किन मुद्दों के अनुसार वोट? मुद्दे तो यही है यूथ को लेके, के नौकरियां मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो, और बस यही है। बुलडोजर दंगाइयों पे चले हैं, जो गुंडे हैं उनके घरों पे चले हैं, महिलाओं के घर पे चले हैं क्या? बताइए आज अगर एक चीज बताइए, मैं दिल्ली में कई सालों से रह रही हूँ, कोई कहता है कि इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया, मुझे नहीं लगता, ये अपने नज़रिए की बात है। सरकार जो ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात होती है उसको देखा जाए तो मोदी जी ने थोड़ा ज़्यादा काम किया है। ये चीज़ नहीं कह सकते कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने अगर कुछ किया नहीं होता तो आज मोदी जी इतना नहीं कर पाते, ये भी बात है। आज अगर हम जो पढ़े लिखे हैं, जो कुछ भी करे हुए हैं, मोदी जी ने तो नहीं पढ़ाया, तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। देश इतना आगे बढ़ा है, गाड़ी जब अगर धक्का नहीं लगती तो आज 70 साल का रोना रोते, बताइए, ये भी बात है। ऐसा नहीं है, मेन चीज जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी ने काम किया जी, किया। सब लोग सब करप्ट हैं, जितना इंडिया करेंगे उतना मोदी जी की सीटें बढ़ेंगी। इस बार 303 के आसपास आई थी और 320 पार कर जाएंगी इस बार। अरे कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सब अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, गठबंधन बनाया है, मोदी जी को रोकने के लिए ही तो बनाया है। देखो नीतीश जी ने जो कर रखा है वो एम्बुलेंस में घोटाला कर रखा है, लालू ने चारा घोटाला कर रखा है, ठीक है। तेजस्वी यादव और लालू मिलकर लोगों की प्रॉपर्टियां खा गए, नौकरी लो और अपनी प्रॉपर्टी दो, सारे करप्ट है। केजरीवाल ने दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है, 200 यूनिट बिजली देकर और पानी फ्री कर पानी तो पीने लायक ही नहीं रहा, इतना करप्ट उन्होंने किया। एक मंत्री अंदर जा चुका है, केजरीवाल जी भी 6-7 महीने में अंदर चले जाएंगे।
लूट रखा है। संजय सिंह को तो आज भगा दिया मानसून सत्र से, उसको सस्पेंड कर दिया है। अंदर जाके हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। दिल्ली का बुरा हाल केजरीवाल ने कर रखा है। ये लब सब लोग जब केजरीवाल का बहिष्कार करेंगे तब दिल्ली की तरक्की होगी। और वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है महाराज, और आप कह रहे हैं बहिष्कार करें। वो भाई साहब इस जिंदगी में कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, इस जिंदगी में नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। जानता कौन है? सिर्फ यूपी के अंदर जानते, बाकी जगह तो नहीं जानते कोई। अखिल नहीं जानता, हरियाणा में पूछ ले कोई नहीं जानता उसको। हरियाणा में भी बुरा हाल होने वाला केजरीवाल का। जितना मर्जी फ्री की रेवड़ी बांटे, वहां पे बुरा हाल होगा उनका। और 2025 में यहाँ पे विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, वो बीजेपी करेगी इस बार। क्या कहना चाह रहे हो? बोलिए भाई साहब। ये आप कह रहे थे ना कि ये इस तरफ आइए। हाँ अंकल जी, आपने जितने नाम गिनवाए ना बजट में, इन सब का मोटो क्या है? मतलब मुद्दा क्या है? मोटो है देश बचाना, नफरत हराना। देश बचाना नहीं है, मोदी हराना है। उनके लिखे हुए साफ साफ, ये सारे 20-22 जने इकट्ठे हो रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री एक ही सपना लेके कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। चलो ये सारे जीत गए, सारे इकट्ठे एक ही कुर्सी पे बैठ जाएंगे। क्यों, एक जन बनेगा उसमें से, मजबूत नेता बनेगा। इनका सपना ही मोदी हराना है। देश बचाने के लिए क्या इन्होंने लिखा है? कोई ऑप्शन है तो बताओ उनके पास, प्रधानमंत्री के लिए कोई ऑप्शन है तो बताओ उनके पास। एक ऑप्शन हो तब तो महाराज नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, अखिलेश मर जाएंगे, खुद ही लड़के मर जाएंगे, टेंशन मत लो। अरे नीतीश की अभी पिछले इलेक्शन में बिहार में क्या पोजीशन थी बताएं? बहुत कम थी, 45 सीट जीत पाए था ना। आपके वो भी खत्म रही केजरीवाल, आपको केजरीवाल की सुनो, केजरीवाल एक क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, हमारा बन गई है ना। मैं क्या कहता हूँ, ये वजूद नहीं है जो आप, एक मिनट, जो आप कह रहे हैं वो वजूद नहीं है। दिल्ली जैसी चीज को, ठीक है, यहाँ क्योंकि फ्री का मामला हो गया है, अच्छी बात है। केजरीवाल ईमानदार थे, हैं नहीं, हैं नहीं, अब है लग गया है उसमें, और है के बाद में क्या होता है, आउट। हाँ ये अब उनका मंत्री एक एक नहीं, दो-दो तीन तीन जेल जा रहे, क्यों जा रहे हैं? मोदी जी घबरा गए इसलिए। मोदी नहीं नहीं, यहाँ क्या चलता है, यहाँ संविधान चलता है या कुछ और चलता है? ये संविधान ईडी और सीबीआई मोदी जी की जेब में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसकी जेब में हो? जब मीडिया स्वतंत्र है तो यहाँ का हर नागरिक भी स्वतंत्र है, ऐसे मोदी जी स्वतंत्र है। ईडी और कहते जितने भी है, कोई किसी का कहते दबाव में प्रेशर में नहीं है, वो सब नियम के अनुसार काम होता है। यहाँ भारत के अंदर लेट बेशक हो गया, रात का दिन में हो जाएगा, दिन का रात में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटा अंधेरा हो जाए। ठीक है, मनीष सिसोदिया क्यों जेल गया है? उसने यहाँ की MCD की टिकट निकालने के लिए, सीट निकालने के लिए, कब्जा करने के लिए, उसने एक बोतल पर बोतल फ्री कर दी, पौआ पर पौआ फ्री कर दिया, पेटी पर पेटी फ्री कर दी, इलेक्शन निकाल लिया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, उसका दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है। कम से कम पिछले 40 साल से ना ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, देव शक्ति है उसके अंदर। ऐसे अंतरी मंत्री ने सालों को जेल ही काटनी पड़ेगी, और मनीष सिसोदिया बाहर निकले आवे तो भाई साहब मैं दोबारा यहाँ चांस चौक इंटरव्यू देने नहीं आऊँगा। हाँ, अगले इलेक्शन में केजरीवाल भी बता देंगे केजरीवाल कितने बड़े। और पंजाब में सरकार, पंजाब में सरकार क्या उसकी कहता, कांग्रेस की वजह से बन गई, सिद्धू की वजह से बन गई। ना सिद्धू में कैप्टन में फूट होती, न वहाँ पर कहता भगवंत मान मुख्यमंत्री बनता, वहाँ पर आज भी कांग्रेस ही होती। कांग्रेस को समझ नहीं है, जिस मर्जी से हाथ मिला लेती है जाकर के, वो उत्तर प्रदेश में कभी कहता है अखिलेश से मिला लेती है, कभी किसी से मिला, कभी किसी, लेकिन कामयाब होती नहीं है वो। मोदी जी पूरी टीम, मोदी जी के वोटर, मोदी जी के भक्त पूरे 5 साल काम करते हैं, पूरे 5 साल इस इलेक्शन को जीतने के बाद में वो अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं जनता के बीच जा करके। और ये क्या करते हैं, हम बन गए मुख्यमंत्री, अब जा रहे हैं पेरिस, अब जा रहे हैं लंदन, आराम से बैठेंगे वहाँ पे, जब 6 महीने रह जाएंगे तब ये आएंगे भारत में, और तब ये झुंझुना बजाएंगे अपना। इकट्ठे कौन होते हैं? इकट्ठे होते हैं ना मर्द, मर्द कभी इकट्ठा नहीं होता है, वो अकेले बल पे सारे काम करता है। और वो हैं सारे बैंगलोर चले गए, वो हैं अभी बाढ़ आई तो सारे बैंगलोर जाके बैठ गए, बैठ गए या नहीं बैठ गए, तो वो गधे ही हैं सारे। अब मोदी जी को बताओ आप, 14 से लेकर के 23 चल रही है हमारी, ठीक है, मोदी जी को बताओ, जब भी करना है वो सारे 24 घंटे काम में लगे पड़े हैं। वही तो कहते हैं काम के नाम पे मोदी जी बस चुनाव लड़ते हैं, देश का काम लड़ने करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये कम से कम यहाँ पे ईमानदारी नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड नाम नहीं है, ब्रांड है, ठीक है, क्या ब्रांड है? ब्रांड है मोदी जी, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया अब तक। क्या कर दिया ना, आएगा क्या, नहीं करा है? देखिए जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है, और उनके कामों की बहुत लंबी लिस्ट है,
समझ गए, वो चार काम हमको भी गिनवा दी। 370 आपके सामने है, राम मंदिर आपके सामने है, शौचालय आपके सामने है, सिलेंडर आपके सामने है, कन्यादान आपके सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके सामने है, कानून व्यवस्था आपके सामने है, और कितनी बताऊं बोलो। अभी ताजा उदाहरण है वो जो पाकिस्तान के सिंध है, वो अभी ट्विटर के अंदर आप लोकेशन देखोगे ना, अगर वहाँ का लोग यूज करेगा तो वो वहाँ का एरिया इंडिया के अंदर दिखा रहा है, जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है, पहले ये नहीं दिखा, नहीं दिखाता था पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जो जो बॉर्डर लग रही है ना वो अभी जम्मू कश्मीर में दिखा रहा है, अभी जो सिंध एरिया है, नहीं वो अभी नहीं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारा है। वही विपक्ष कहता है कि मोदी जी सेना को कमजोर करने में लगे हूँ। सेना को कमजोर नहीं करा, उन्होंने इतनी सामान लागे दे दिया है, इतनी तोपे लागे दे दी, इतना गोला बारूद दे दिया, इतनी ताकत दे दी है, और खुलेआम ये कह दिया है कि जो तुम पे उंगली उठा साले की उंगली काट दो, गोले पत्थर चलाए गोली मार दो, इतनी कम है क्या, इतना कम है क्या, आज तक किसी सरकार ने सेना को दिया था नहीं। मैंने खुद एक लाइव देखा, बन मैंने खुद लाइव देखा, एक पीछे से आया फौजी को भाई ऐसे करके, उसने भाई फौजी बर्दाश्त करके रह गया वहाँ पे, लेकिन हमारा खून खोल रहा है यहाँ पे, समझे। और आज आज अगर कोई भी फौजी पे उंगली उठा के देख ले, अगर उसे वही शूट नहीं कर दिया जाए तो ये ताकत किसने दी, हमारे माननीय उठा के नहीं देखे 144 लोग को वहाँ पे जो जवानों को मारा गया, उसमें आप जो अभी बोले हैं कि मतलब कि देश ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी मणिपुर में क्या हुआ, नंगे नचाया गया है, उसमें क्या हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही है क्या, चार महीने के बाद कार्रवाई हुई, ये कोई कार्रवाई है क्या, आपको कब पता चला, अरे जब मीडिया में सुनिए, मीडिया वाले नहीं चढ़ाया, फौजी की घरवाली थी, आपको कब पता चला, अरे मेरी बात सुनिए, अरे वहाँ की सरकार क्या कर रही थी जो पता अभी चला, आपको कब पता चला, मीडिया में पता चला तब जब उसके साथ कार्रवाई हुआ, इससे कार्रवाई हो गई ना, कार्रवाई हुई ना, देखिए मैं, अरे जब वीडियो वायरल हुआ, पर मैं भाई अरे सुनिए, लड़ना नहीं है यहाँ पे, लड़ना नहीं है, आप सुनिए, आप भी कैमरे में देख के बोलेंगे, भाई साहब भी कैमरे में देख के बोलेंगे, लड़ने नहीं है, मेरी बात सुनिए, जब हमें किसी बात का पता चलेगा हम तभी एक्शन लेंगे, या पहले से ही, यार मेरे कोई भविष्यवाणी थोड़ी हो रही है, 24 में मोदी ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, जितना मर्जी 14 इकट्ठे हो जाए 18 इकट्ठे हो गए, मोदी ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा भारत में, ये गारंटी, रोक लेंगे नीतीश चचा तेजस्वी जी शुरू हो गया, नीतीश का रोना शुरू हो गया, बाकी बारी बारी सब रोना शुरू कर देंगे, नेता आना रहे, मोदी नहीं है, चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाए, अरे महागठबंधन जो है ना वो कमजोर होता जाएगा, हर महीने दो टूटते जाएंगे, वो कमजोर हो जाएगा, और इसलिए वो तो मोदी जी तोड़ रहे हैं, वो तो गठबंधन महागठबंधन ठग बंधन है, ठग